थम चुका है पहले चरण के लिए प्रचार का शोर, पूरी हो चुकी है अपने अपने वोट बैंक को दुरुस्त करने की आखिरी कोशिश। लोकसभा की 91 सीटों के लिए दिग्गजों ने झोंकी पूरी ताकत, तो यूपी की 8 सीटों पर कब्जे के लिए भी मची मारामारी। यूपी की इन 8 सीटों को अपने पाले में करने के लिए महागठबंधन और कांग्रेस भी अपने दांव खेल चुकी है। आलम ये है कि यहाँ एक एक सीट की जंग दिलचस्प होती दिखाई दे रही है। इन 8 सीटों पर कहाँ कौन से दिग्गज से किसकी है टक्कर, क्या है इस इलाके के चुनावी मुद्दे, इन तमाम मसलों पर तफसील से आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक नज़र देश के उन 20 राज्यों की 91 सीटों पर जहाँ पहले चरण का मतदान 11 अप्रैल को होना है। शुरुआत जम्मू कश्मीर से करते हैं, जहां की 2 सीटें बारामूला और जम्मू पर पहले चरण में वोट डाले जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो यहां मेघालय की शिलांग सीट, मणिपुर की 1 सीट बाहरी मणिपुर, नागालैंड की इकलौती सीट नागालैंड, मिजोरम की इकलौती सीट मिजोरम, त्रिपुरा की त्रिपुरा वेस्ट के अलावा सिक्किम, अरुणाचल ईस्ट और अरुणाचल वेस्ट सीटों के लिए भी वोटिंग 11 अप्रैल को होगी। इनके साथ असम की 5 सीटों तेजपुर, कालीबोर, जोरहाट, डिब्रूगढ़, लखीमपुर के अलावा लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार सीटों के लिए भी वोटिंग पहले चरण में ही होगी। नॉर्थ ईस्ट से सटे पश्चिम बंगाल की 2 सीटें कूचबिहार, अलीपुर द्वार, ओडिशा की 4 सीटें कालाहांडी, नबरंगपुर, बेरहामपुर, कोरापुट और बिहार की 4 सीटें औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई के लिए भी वोटिंग इसी दिन होनी है। वहीं छत्तीसगढ़ की 1 सीट बस्तर, महाराष्ट्र की 6 सीटें वर्धा, रामटेक, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चिमूर, यवतमाल, वशिक पर भी मतदान 11 अप्रैल को ही होंगे। लेकिन सबसे बड़ा दांव आंध्र प्रदेश के लिए है, जहां की सभी 25 लोकसभा सीटों पर इसी दिन मतदान होने हैं। वहीं तेलंगाना की सभी 17 लोकसभा सीटों पर भी वोटिंग इसी दिन होगी। इतना ही नहीं, उत्तराखंड की 6 सीट टेहरी गढ़वाल, गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार के उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला भी 11 अप्रैल को ही होना है। लेकिन देश की नजर उत्तर प्रदेश की 8 सीटों सहारनपुर, केराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर पर होगी। इन सीटों पर असली जंग तो बीजेपी और महागठबंधन के बीच है, लेकिन कांग्रेस ने सभी सीटों से अपने उम्मीदवार को उतार कर इस लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया है। यूपी की सहारनपुर सीट इस बार हॉट सीट है। यहां बीजेपी के राघव लखनपाल के खिलाफ कांग्रेस के इमरान मसूद को मैदान में उतारा है, जबकि महागठबंधन की ओर से बीएसपी के हाजी फजलुर रहमान यहां से उम्मीदवार हैं। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में राघव लखनपाल ने इमरान मसूद को 65,000 से भी ज्यादा वोटों से हराया था। लेकिन इस बार कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और बीजेपी को कड़ी चुनौती देने की तैयारी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यहां रोड शो कर अपना इरादा साफ कर दिया है। हालांकि इस रोड शो के दौरान लगे मोदी मोदी के नारे से उन्हें थोड़ी फजीहत भी उठानी पड़ी। बहरहाल अब बात केराना की करते हैं, जहां से बीजेपी के उम्मीदवार प्रदीप चौधरी के खिलाफ कांग्रेस के हरेंद्र सिंह मलिक मैदान में हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी की तबस्सुम हसन इन दोनों पर भारी पड़ सकती है। 2018 के उपचुनाव में वो आरएलडी के टिकट पर महागठबंधन की ओर से लड़ी थी और उन्होंने बीजेपी की मृगांका सिंह को 44,000 से भी ज्यादा वोटों से हराया था। कहानी केराना की ही दिलचस्प नहीं, मुजफ्फरनगर का मुकाबला भी इस बार मजेदार होने वाला है। बीजेपी के संजीव कुमार बालियान के खिलाफ आरएलडी के मुखिया चौधरी अजीत सिंह जंग में है। यहाँ 2014 में संजीव कुमार बालियान ने बीएसपी के राणा को हराया था। मुजफ्फरनगर में टक्कर सीधी है,
तो मेरठ में मामला त्रिकोणीय हो चला है। मेरठ में बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल के खिलाफ बीएसपी के हाजी मोहम्मद याकूब खड़े हैं, जबकि कांग्रेस की ओर से हरेंद्र अग्रवाल अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। राजेंद्र अग्रवाल ने 2014 के चुनाव में यहां जीत दर्ज कराई थी, जब बीएसपी के मोहम्मद शादिक अखलाक को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा था, वो भी 232,000 मतों के अंतर से। वहीं जाटों के गढ़ बागपत की बात करें तो यहां बीजेपी ने एक बार फिर सत्यपाल सिंह पर दाव लगाया है, लेकिन टक्कर जबरदस्त है क्योंकि इस बार उनके खिलाफ आरएलडी के जैन चौधरी मैदान में हैं। गौरतलब है कि 2014 में सत्यपाल सिंह ने 200,000 से भी ज्यादा वोटों से यहां एसपी के गुलाम मोहम्मद को हराया था। वहीं दिल्ली से सटे गाजियाबाद की बात करें तो यहां से भी बीजेपी ने दोबारा जनरल विजय कुमार सिंह को लड़ाई में उतारा है। कांग्रेस की डॉली शर्मा और समाजवादी पार्टी के सुरेश बंसल उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। 2014 में जनरल वीके सिंह ने कांग्रेस के राजबब्बर को यहां से 5.5 लाख से भी ज्यादा मतों से हराया था। गाजियाबाद से सटे गौतम बुद्ध नगर से बीजेपी के कद्दावर नेता महेश शर्मा दोबारा चुनाव मैदान में है। यहां बीएसपी के सतवीर नागर से उनकी टक्कर है। पिछले चुनाव में उन्होंने एसपी के नरेंद्र भाटी को 2,80,000 से भी ज्यादा वोटों से हराया था। महेश शर्मा को उनकी जीत के बाद मोदी कैबिनेट में जगह मिली और तब से वो लगातार मंत्री बने हुए हैं। बहरहाल अब बात बिजनौर की, जहां से बीजेपी के कुंवर भारतेंद्र सिंह कमल खिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। बीएसपी के मलुक नागर और कांग्रेस के नसीमुद्दीन सिद्दीकी की मौजूदगी में यहां भी मुकाबला त्रिकोणीय हो चला है। 2014 की बात करें तो कुंवर भारतेंदु सिंह ने एसपी के शाहनवाज राणा को यहां से 200,000 से भी ज्यादा वोटों से शिकस्त दी थी। यूपी की इन 8 सीटों के लिए नेताओं को लोगों से जो कहना था कह चुके, वो अपना वादा और इरादा जाहिर कर चुके हैं। अब गेंद आवाम के पाले में है और ईवीएम मशीनें उसके फैसले का इंतजार बाहें फैलाकर कर रही है, इस उम्मीद के साथ कि 11 अप्रैल को जमहूरियत के इस सबसे बड़े जलसे में जनता की भागीदारी जबरदस्त रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।